तेजस्वी यादव जी जिस दिन 10 लाख बिहारी युवाओं को नौकरी ईमानदारी से दे देंगे, ईमानदारी से, कोई धांधली से चिक फर्जी वाला नहीं, उस दिन ये दिलीप कुमार आपके चैनल पे ऐलान कर रहा है कि तेजस्वी यादव जी के लिए घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे, नीतीश कुमार जी के कहने से क्या होगा? अपने दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है, ये कहावत है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गर्दनी बाग में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं और यहाँ पर छात्र नेता दिलीप भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभ्यर्थियों में किस बात का इतना गुस्सा है। सबसे पहले तो दिलीप ये बताइए कि यहाँ पर धरने पर क्यों बैठ गए हैं अभ्यर्थी? देखिए धरने पे इसलिए बैठ गए हैं कि जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है तो हम लोग तो उसका स्वागत कर रहे हैं, सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि चलिए इतने बड़े पैमाने पे आपने वैकेंसी निकाली, परीक्षा अच्छे से हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। नियुक्ति पत्र जो बांटा गया वो औपबंधिक बांटा गया, यानी कि प्रोविजनल मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी खुद कन्फर्म नहीं है कि जिनको हम नियुक्ति पत्र दिए हैं वो उसमें से कितने फर्जी हैं कितने सही, बात कर रहे हैं, तभी तो औपबंधिक बांटा गया है ना। बांटा जाएगा, सब चीज का एक प्रोसेस होता है। नहीं नहीं, ये पहली बार हुआ है ना कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा गया है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र का मतलब नियुक्ति पत्र होता है, ये औपबंधिक क्या होता है? अच्छा। किसी राज्य के मुखिया के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा जाए, इससे बड़े दुख की बात क्या होगी? अच्छा। वो भी बिहार जैसे राज्य में जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो हमारी मांग सरकार से ये है कि आप जितने भी शिक्षक सेलेक्ट किए हैं काउंसलिंग के बाद उन सब की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाइए, और जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल है या जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सर्टिफिकेट नहीं है उन सबको बाहर किया जाए। अच्छा। नियोजित शिक्षक को उनके सीट पर ही माना जाए, माने संख्या की गिनती जब आप कर रहे हैं तो। हाँ। और जितना सीट बचता है खाली उसके लिए आप द्वितीय लिस्ट जारी कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, मतलब सेकंड लिस्ट की मांग कर रहे। बिल्कुल सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट औपबंधिक दिया था बीपीएससी ने, और उसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो लोग बाहर होंगे जितना सीट बचेगा उसके लिए फिर हम रिजल्ट जारी करेंगे, इसका मतलब यही हुआ। इसलिए बीपीएससी टीआरई 2.2 भी आ रहा है, टीआरई 2.2 आवे 3 आवे सबका हम स्वागत करेंगे। अच्छा। हाथ जोड़कर धन्यवाद देंगे सरकार को। हाँ। लेकिन जो बहाली पहले आई हाँ। उसको तो पहले अच्छा से क्लियर कर लीजिए। अच्छा, आपने अभी एक बात कही, आपने कहा कि फर्जी लोग होंगे इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है दिलीप? आपको मालूम है ना कि लगातार बीपीएससी कार्रवाई कर रही है, कुछ इधर उधर बोलिएगा बिना तथ्य के तो फिर फेरे में पड़िएगा। देखिए हम पहले बहुत कुछ झेल चुके हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 2020 में मेरे नाम से मेरे जाति, मेरे पिता का नाम, मेरा गांव, मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ तक मेरी जाति सबको सार्वजनिक किया था, नोटिस जारी किया था। अच्छा। अखबार के प्रथम पेज पे छपवाया था। हाँ। उस समय मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा। लगा कि ये सब कर देंगे तो इसका शादी भी टूट जाएगा। हम उससे भी नहीं डरे, उसके बाद जेल भी गए, कितने बार मार खाए, लाठी खाए, इस सबसे डरने वाले हम नहीं है। जिनको जो करना है करे, जहाँ गलत होगा हम बोलेंगे। ये बताइए कि बिना प्रमाण के बोलना तो गलत है, क्या प्रमाण है भाई? कितना बड़ा इल्जाम आप कैसे बिना प्रमाण के लगा सकते हैं? सरकार ऐसे थोड़ी चलता है, सरकार को क्या प्रमाण चाहिए वो बता दें। आपके पास प्रमाण क्या है? क्योंकि इतनी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण है कि नहीं है ये बताइए। सबसे पहला प्रमाण तो मुकेश कुमार सिंह का, हमने 25 अक्टूबर को बीपीएससी ऑफिस के आगे सारे मीडिया के सामने उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो एसटीईटी पास नहीं था। वो खुद बोल रहे थे कि हम एसटीईटी पास नहीं, हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और वो रिजाइन देने आए थे। उसके अलावा बहुत सारे करिश्मा कुमारी, उसके बाद और भी क्या क्या, जूलिया, मतलब जूही, जो भी, बहुत सारा एग्जांपल आया है। पास अच्छे खासे सबूत मौजूद है। मेरे पास ही नहीं, अब समस्त अभ्यर्थियों के पास सबूत मौजूद है, सोशल साइट पे चल रहा है। हम सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार को ये लगता है कि इसमें सभी अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं उनके पास सही डॉक्यूमेंट्स है, वो फर्जी नहीं है कोई, तो फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्यों दिया नीतीश कुमार जी ने? ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ठीक है आप जांच करवा लीजिए। हाँ। उसमें अगर जो फर्जी नहीं निकलेंगे तो अच्छी बात है ना। हाँ। हम लोग खुद तारीफ करेंगे हर जगह। हाँ। कि सभी के सभी सही सर्टिफिकेट पे बहाल हुए। दिल से पूरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, कमी लग रही है। वो तो जब बहाली प्रक्रिया में कुछ दोष होगा तो स्वाभाविक बात है। कल का जो मेगा इवेंट हुआ था उसकी तारीफ कुछ कर दीजिए दिलीप। नहीं, वो तो शुरू में हमने तारीफ किया कि जो क्या लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि बिहार में झट फट फट नौकरी मिलती है। ठीक है, तो उनको ये भी बोलना चाहिए ना कि बीपीएससी में 4-5 परीक्षा अभी 2-2 साल से लंबित है, बीएसएससी में 8 साल से लंबित है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कह रहे हैं ना कि जो हमने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, वादा निभाएंगे, भूले नहीं है।
ठीक है, आप ये इतना बोल रहे हैं ना, हम आज आपके चैनल पे बोल दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जिस दिन 10 लाख बिहारी युवाओं को नौकरी ईमानदारी से दे देंगे, ईमानदारी से, कोई धांधली से फर्जी वाला नहीं, उस दिन ये दिलीप कुमार आपके चैनल पे ऐलान कर रहा है कि तेजस्वी यादव जी के लिए घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे, ईमानदारी से अगर मिल जाए तो। अच्छा, अभी तो शुरुआत है, ईमानदारी से आप लोग तो बोलिएगा कि ईमानदारी से नहीं, बस नीतीश कुमार ने भी साफ कह दिया है गड़बड़ हुई ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के कहने से क्या होगा, अपने दही को कोई खट्टा नहीं बोलता, ये कहावत है। तो हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, हम तो सरकार से कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात कह दी है कि अगर वादा पूरा किया तो दिलीप जाजा के घर में, बिल्कुल अभी हम अनाउंस कर रहे हैं वोट मांगेंगे, हम बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, मीडिया आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल नहीं, हम मुकर कर रहे, अभी अग्नि परीक्षा तेजस्वी यादव जी के लिए खड़ी हो गई कि इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ पहले उसको तो बाहर कर दीजिए, हम लोग मांग कर रहे हैं उस पर आप विचार कीजिए, जांच करवाइए। मतलब आप चाहते हैं कि जांच हो, बिल्कुल एक एक अभ्यर्थी की जांच हो जो सिलेक्ट हुए हैं, शिक्षक बने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दाव उल्टा पड़ जाए, पता चला जांच भी हो गई और आप लोग जो है इतना समूह लेकर रह गए, कुछ गड़बड़ी नहीं पकड़ाई तो क्या, तो अच्छी बात है ना। हम खुद माफी मांग लेंगे, मांगेंगे तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार जी से माफी मांग लेंगे। अच्छा। और गांव-गांव जाकर हम उनकी तारीफ करेंगे तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी की, कि बहुत अच्छे से बहाली हुई। अच्छा, आपने देखा है ना कि के पाठक ने तो महफिल लूट ली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खूब तारीफ कर दी। देखिए अच्छा काम कोई करे तो उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए, मतलब पाठक जी अच्छा काम करे, बिल्कुल अच्छा काम करे, कई जगह पे थोड़ा सा वो अति कर देते हैं, कुछ कुछ जगह पे अति कर देते हैं, अति सर्वत्र बर्जित, लेकिन बाकी उनका काम अच्छा है। हाँ। अतुल प्रसाद सर भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ होती है। हाँ। और आप जो बोल रहे हैं कि सरकार की तारीफ या कुछ, तो बीपीएससी में जब परीक्षा हुई शिक्षक भर्ती, हम बीपीएससी ऑफिस के अंदर से सरकार की तारीफ कर रहे थे, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे थे, बीपीएससी की तारीफ कर रहे थे, तो वो तो सबको नजर आया ही होगा। अभी जब कुछ गड़बड़ी हमको लग रहा है तब तो हम विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े करेंगे। आखिरी सवाल, कब तक ये धरना चलेगा, कब मानेंगे ये लोग? देखिए ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, अब सरकार के ऊपर है कि सरकार कितना जल्द इन लोगों की मांग को सुनती है और मानती है, ये तो सरकार तय करे, सरकार तय करेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप, देखिए साफ साफ कह दिया है कि हम चाहते हैं कि हम गलत साबित हों, और जब हम गलत साबित होंगे तो हम घर घर जाकर तेजस्वी यादव की खूब तारीफें भी करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज, बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव जी जिस दिन 10 लाख बिहारी युवाओं को नौकरी ईमानदारी से दे देंगे, ईमानदारी से, कोई धांधली से फर्जी वाला नहीं, उस दिन ये दिलीप कुमार आपके चैनल पे ऐलान कर रहा है कि तेजस्वी यादव जी के लिए घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। नीतीश कुमार जी के कहने से क्या होगा, अपने दही को कोई खट्टा नहीं बोलता, ये कहावत है। जी।